हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम बथुए। ये बथुआ लिया है हमने। बथुआ तो हमारे इधर राजस्थान में बोला जाता है, भाई गुजरात में इसको चील बोला जाता है। ये देखिए, और इस ये बहुत ही फायदा करती है। इसमें आयरन तो बहुत मात्रा में होता है और ये विटामिन ई भी होता है इसके अंदर। और आज हम इसकी कढ़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है छाछ, ये हरी मिर्ची, और लहसुन को मैंने कूट लिया है, प्याज को मैंने काट लिया है, और कड़ी पत्ते, और ये मैंने लिया है एक कटोरी में मूंग दाल का आटा, और इधर लिया है मैंने एक छोटी कटोरी बेसन। साथ में ऐड किए हैं मैंने मेथी और सौंफ। इसी के साथ मैंने एक कटोरी दही भी लिया है, जो कम खट्टा ही नहीं है ना, ताज़ा दही है। और साथ में लिया है मैंने जीरा और राई। और सबसे पहले हम इस बथुए को, हम चील बोलते हैं, इसको हम काट लेंगे बारीक बारीक। ये देखिए, ये बहुत फायदा करती है। तो आज हम चील की कढ़ी बना रहे हैं, तो आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले बारीक बारीक काट लेते हैं। कढ़ाई रख दी, इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया। ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, 1.5 चम्मच तेल है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूंगी मैं जीरा और राई, इसको चटकने देते हैं। फिर साथ में ऐड करूंगी कड़ी पत्ता, ऐड करूंगी सौंफ और मेथी, साथ में ऐड करूंगी प्याज। अब हम ये प्याज को फ्राई होने देते हैं, हमें हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसी के साथ ऐड करेंगे ये हरी मिर्ची और लहसुन जो हमने कूट लिया था, इनको भी हम फ्राई होने देते हैं। फ्राई होने के बाद डालेंगे ये हम चील, इसको चंदलोई भी बोलते हैं। चील जो डालेंगे हमने बारीक बारीक काट लिए, और जितने वो पकती है जितने हमने ये छाछ ली, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मूंग दाल का आटा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमने आधे मूंग दाल का आटा लिया है, साथ में आधी हमने बेसन लिया है, और इन सबको अच्छे से इसका घोल बना लेंगे, ताकि एक कढ़ी में एक नया टेस्ट आए। हमें गुठली नहीं रखनी है बिल्कुल भी, और अच्छे से एक गोल बना लिए लेना है। हमने ये गोल बना लिया है, इसमें जो बची हुई छाछ थी वो भी हमने डाल दी है। और ये इधर हमारा बथुआ भी पक चुका है, इसमें अंदर मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वो भी आधा चम्मच, और नमक डाल रहे हैं हम टेस्ट अकॉर्डिंग, आप चेक कर लें आपको जितना चाहिए उस हिसाब से, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी अच्छे से पक चुकी है चील, और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने छाछ के साथ मूंग दाल का जो घोल बनाया था वो डालेंगे, और हम थोड़ा पानी भी डालेंगे, और पानी की आपको जितनी ज़रूरत हो उतना डालें, बाकी हम थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। और इसको जितने उबाल नहीं आता है, जितने आपको चलाते रहना है, कि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो छाछ फट जाएगी, ये सबको पता होता है, और जिसको नहीं पता है तो उसके लिए बता रहे हैं, तो आप चलाते रहें, उबालना आए जितने तक। और ये देखिए, इसको हम चलाते रहेंगे, और ये हमारा उबाल आ चुका है। जितने ये पकती है, जितने हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं, यानी एक साइड हम पकोड़े बना लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम छोड़ सकते हैं धीमे। ये मैंने चील ली है, जिसको मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। उसी के साथ ऐड करूंगी मैं आधी कटोरी बेसन, और साथ में डाल रही हूँ आधी कटोरी मूंग दाल आटा। इसी की मूंग दाल और हम दोनों मिक्स का बना रहे हैं। और ये आधा मैंने प्याज काट लिया बड़ी स्लाइस में, और इसके साथ ऐड करेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मैं हरी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम पकोड़े बना रहे हैं कढ़ी में डालने के लिए, इसलिए। और अब ऐड करेंगे हम धनिया, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग बट सॉरी, और अब डालेंगे हम धनिया पाउडर, साथ में ऐड करेंगे हम जीरा, ये जीरा ऐड कर लिया है। अब इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और साथ में मैंने 1 चम्मच तिल डाला है, जिससे एक अच्छा सा टेस्ट आए। और अब हम इनको सबको मिक्स कर लेते हैं, ये अच्छा से मिक्स कर लेंगे। पहले हम एक बार चम्मच से ऐसे सबको मिक्स कर लेंगे, फिर जितनी हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम डालेंगे। तो अब हम चम्मच से नहीं, हम हाथ से बनाएंगे इसका गोल। ये हमने पहले थोड़ा सा पानी डाला है, अब हम इसको सबको अच्छे से गोल बना लेते हैं। हमें थोड़ा सा और लगी थी, तो मैं बाद में थोड़ा सा मूंग दाल का आटा और डाला है मैंने आधी कटोरी, और ये हमारा अच्छे से बटर तैयार हो चुका है पकौड़े का।
मसाला यानी। तो अब हम पकौड़े बनाते हैं और ये देखो हमारी कढ़ी भी बन चुकी है। पर अब मैं डाल रही हूँ सबसे लास्ट में दही। दही मैं हमेशा सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि दही जब सब लास्ट में डालते हैं अपन तो एक अलग ही टेस्ट आता है और दिखने में बड़ी टेस्टी लगती है। दिखने में अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि एक सफ़े सफ़े दाना दाना अंदर दिखता है तो बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने एक साइड कढ़ाई में तेल डाल दिया, गर्म हो चुका है और अब हम छोटे छोटे पकौड़े बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से छोटे छोटे हम पकोड़े थोड़े हल्के फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसको पलटी देंगे। और हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है इनको, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाना है, हमें स्लो आंच पे बनाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे अच्छे से कुरकुरे हो गए और ऐसे बिना कड़ी के भी आप बना सकते हैं, खाने में बड़ी टेस्टी लगते हैं तो आप बनाएं। अब ये इन सबको निकाल लेंगे और ये हमारी कढ़ी भी बन चुकी है तो इस कढ़ी में डाल देंगे हम पकोड़े। और अब हम गैस बंद कर देंगे इसको मिक्स करके, क्योंकि हमारी कढ़ी गर्म है। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे के अंदर और अब हम लगा देते हैं छौंक। छौंक के लिए मैंने एक चम्मच में तेल लिया है, साथ में डाली राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाला है मैंने। और साथ में ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची। इसको चटकने देते हैं अच्छे से, ये अच्छे से चटक जाएगी। उसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्ची। लाल मिर्ची हमेशा आपको डालते टाइम गैस बंद कर देना है, क्योंकि लाल मिर्ची पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पीसी हुई लाल मिर्ची यानी। तो अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची आधा चम्मच और साथ में बंद कर देंगे हम गैस। हमने गैस बंद कर दिया और हम लगा देते हैं छौंक। ये हमने कढ़ी के अंदर तड़का लगा दिया है यानी। और ये हमारी कढ़ी तैयार है, चील की कढ़ी। अभी सर्दियों में बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़।